आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12 करोड़। क्या नए संसद भवन के निर्माण के घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है? और नई संसद भवन घोटाले में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है, तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है? नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं नई संसद भवन के निर्माण को लेकर। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें, देश में नए संसद भवन बनने के बाद से ही लगातार तमाम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि जो नई संसद भवन बनी है उसमें जो खर्चा आया है वो करोड़ों रुपए का खर्चा आया है। और सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो करोड़ों रुपए का खर्चा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक अगर देखा जाए तो अलग हो रहा है। तो क्या जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो जाहिर तौर पर यह बता रहे हैं कि नए संसद भवन घोटाले में सरकार का बड़ा हाथ है? हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया, देखिए एक रिपोर्ट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12 करोड़ की। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के तमाम नेता आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सवाल कर रहे हैं, और जो सवाल किए जा रहे हैं उस पर सरकार का चुप रहना क्या ये बताता है कि वाकई घोटाला तो हुआ है लेकिन सरकार बता नहीं पा रही है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।